आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं लव डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। पर मैं अब करूँ क्या, क्या सही है? दूसरे दिन कॉलेज में, अरे ये जिमिन किधर है? ते तो अपने पार्टनर के साथ उसके घर प्रैक्टिस के लिए गई है, पर ये जिमिन दिख क्यों नहीं रही है? वेट, ये तो यहाँ ये लड़की प्रैक्टिस कर रही है, जिमिन भी ना, पर मुझे भी तो कह सकती थी। अरे जिमिन, ओ नो, ज्यादा जोर की लग गई क्या? भाई क्या तू इसे जानता है? गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं, आई मीन तुम्हें उसे क्या? हाँ, एंड जिमिन, तुम मुझे बिना बताए यहाँ अगर प्रैक्टिस कर रही हो, और मैं सारे कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो एक्चुअली तुम आए नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आई मीन मुझे खेलना नहीं आता। जिमिन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा, देखो अभी तुम्हें चोट लग गई। वैसे जोर से लगती तो। हाँ तुमने कहा था, पर इतने दिन हो गए और अभी तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। ओके, मैं कल तुम्हें सिखा दूंगा। ओके, पर मुझे ये जानना है, तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है अपनी स्किल दिखाकर? हाँ करना है। किसे? तुम्हें। हाँ, क्या कहा तुमने अभी अभी? मजाक कर रही थी शुगा, कुछ चीजें तो हम अपनी अपने लिए भी सीखते हैं ना, खुद की भी तो मर्जी होती है ना। चलो अब, ते तो अभी आएगी नहीं, उसकी प्रैक्टिस में टाइम है, तब तक हम जाकर घर में डिनर रेडी करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे ते को इतनी भी हंसी आ रही, ओ यार अभी मुझसे भी हंसी, तो तेरा ये प्यार है, हाँ इतनी भी हंसी मैं नहीं, ओ यार अभी मुझसे भी हंसी तेरा प्यार। तो फाइनली हमारी आज की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। ये तो ठीक है, पर हम लोगों ने आज कुछ डिफरेंट डांस किया है ना? हाँ, क्या मतलब? तुम जैसा भी सोचो ऐसा कुछ भी नहीं होगे। मैंने तो भी कुछ कहा भी नहीं, लेकिन तुम मुझे डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। देखो अगर कोई भी बात है तो मुझे बता सकते हो। हाँ, आगे एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना वो मेरे हाथ में है। तुम जो भी सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे क्या, दूसरे जो लड़के हैं ना वो भी तुम्हें पसंद करने से बारे पहले सोचेंगे, क्योंकि तुम जो इतनी स्टबर्न हो। हे, व्हाट आर यू डूइंग? तुम मेरे इतनी क्लोज क्यों आ रही हो? क्यों डर लगने लगा? तुम अभी मुझे कह रहे थे तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तुम्हें क्या किसी और लड़के को भी पसंद आऊं, और मेरे क्लोज आते ही तुम इतना हिचकिचाने क्यों लगे? लुक, तुम्हें पता है तुम किससे अभी बातें कर रहे थे? किम तियोंग से। ये वो लड़की है जिस पे कॉलेज के ज्यादातर लोगों के क्रशेस हैं। ओके, और अगर तुम ये सोचो कि मैं तुम पर हिट कर रही हूँ तो जस्ट फॉरगेट इट, क्योंकि मेरे पास तुमसे भी और अच्छे अच्छे ऑप्शन है। ओके मिस्टर। ओ रियली मिस किम तियोंग? तुम भी सुन लो, मैं चान चंकु को, और मेरे पीछे आके लड़कियाँ फिरती हुई होती हैं, मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँगा? और हमारे पास जो भी अभी हुआ ये एज अ डांस पार्टनर हुआ, लेकिन अगर तुम कुछ चाहती हो चंकु, ये तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? हाँ मुझे अच्छे से पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा, वरना अगर तुम्हें बुरा लगता तो तुम्हारा ये प्यारा साथ मेरे इन गालों पर होता। शट अप, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है। लेट मी ड्रॉप यू। नो नो थैंक्स, मैं खुद जा सकती हूँ। देखो तुम मानो या ना मानो, ड्रॉप करने तो मैं ही जा रहा हूँ तुम्हें, सो लेट्स गो। टाइम स्केप्ड एट विमाइन होम। ती, तुम उसे कुछ कहने वाली थी ना, तूने बताया नहीं, क्या बात है? हाँ कौन सी बात? जिमिन किस बारे में बोल रही है? वही बात जो कल तुम मुझे बताने वाली थी, पर शुगा को देख के तुमने मुझे बताया नहीं। तू कल बताने वाली थी ना कुछ? ओ हाँ वो, ते तू क्या बताएगी अभी जिमिन को?
क्योंकि जंगकुक ने तो आज कुछ और ही कहा है ना। भले उसकी आंखें कुछ और बताती है, लेकिन उसने आज जुबान से कुछ और ही कहा है। नहीं, मैं अभी नहीं बता सकती जिमिन को, जब तक कि मुझे ये पता नहीं चल जाता कि सच में जंगकुक मुझे पसंद करता है या सिर्फ ये मेरी सोच है। क्योंकि अगर मैंने जिमिन को बताया तो वो डेफिनेटली शुगा को बता देगी, और अगर शुगा को पता चल गया और उसके बाद मुझे पता चला कि जंगकुक मुझे पसंद नहीं करता, तो शुगा तो उसे छोड़ेगा नहीं। नहीं नहीं, मुझे अपनी होप को इतना हाई नहीं करना चाहिए। मैं अभी नहीं बता सकती हूँ जिमिन को ये बात। देख क्या हुआ, तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू कल शुगा के बारे में? हाँ, मैं कल शुगा के बारे में ही तो बात कर रही थी ना। वैसे जिमिन, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअली मैं अभी सोच रही थी हमारे कॉम्पिटिशन के बारे में, क्योंकि उसके डेट्स आने वाले हैं और मैं वो बात तुझे बाद में बताऊँगी। ओके, दूसरे दिन कॉलेज में कैथी अपसेट क्यों हो रही है? इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हुई है ना। जंगकुक, मुझे पता है कि ते तेरी डांस पार्टनर है, लेकिन मुझे लगता है ते का जादू यहाँ पर भी चल गया। उसे तो बस लड़कों को फंसाना आता है। हाँ, उसने मुझे भी फंसाया था, और मैं उसे सच में बहुत प्यार करता था। जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब वो लड़के को रिजेक्ट करती है, तो मैं बस इसीलिए तुझे कह रहा था। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, तू जैसा लड़का, आई मीन तू इतना टफ है, तू कैसे उसकी बातों में इतनी ईजिली फंस गया? क्या मतलब है कि ते ने तुम्हें फंसाया? देख भाई, मुझे ते को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना था। ते इतनी प्रिटी जो है, और ते ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने चाल चली थी। उसने मेरी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, और तू उस वीडियो के बारे में जानता तो है। तो मैं बस तुझे वार्न कर रहा हूँ। मुझे वार्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम बस डांस पार्टनर हैं। ये क्या, तुम दोनों की कंपटीशन सेम टाइम पे सेम डेज में होगा, तो फिर मैं दोनों के पास कैसे जाऊंगी? जिमिन, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम ते की फ्रेंड हो, तो इतने बड़े दिन पे तुम उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो? अच्छा मिस गैरी, क्या जिमिन सिर्फ मेरी फ्रेंड है, तुम्हारी फ्रेंड नहीं है ये? ते वो नो, तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये जिमिन डिसाइड करेगी। हाँ, मैं क्या कहूँ, मुझे तो दोनों को परफॉर्म करते हुए देखना है ना। हाय एवरीवन, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बातें चल रही है? कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हो क्या तुम लोग? यस जो, देखो ना, टीम को मुझे परफॉर्म करते हुए देखना था, पर उस दिन मेरा भी कंपटीशन है और टाइमिंग भी सेम है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा। ओह, ये तो सच में बहुत बड़ा मसला है, और तुम दोनों तो एक दूसरे को सबसे बड़े सपोर्टर हो ना। सही तो जो, ना मैं जा पाऊंगी शुगा के कंपटीशन में, और ना वो मेरे कंपटीशन में आ पाएगा। तो मैं जिमिन को कह रही थी कि वो शुगा को जाके सपोर्ट करे, और ये लोग मेरी बातें सुन ही नहीं रहे। हाँ, और तुम अकेली रह जाओ। क्यों, ते क्यों अकेले रहेगी? क्या मैं फ्रेंड नहीं हूँ तुम लोगों का? मैं रहूँगा ते के साथ। ओके, तो ये डन रहा कि जिमिन शुगा के सपोर्ट में रहेगी और जियो मेरे सपोर्ट में रहेगा। ते पर क्या जिमिन, ते रहने दो ना, अगर शुगा को नहीं चाहिए कि मैं उसके सपोर्ट में रहूँ, तो फिर क्यों तुम उसे परेशान कर रही हो, प्रेशर में डालो? जिमिन, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस इसलिए कह रहा था कि तुम ठीक की बेस्ट फ्रेंड हो, और अगर तुम उसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहो तो कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहती हो तो मैं बहुत लकी हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे सपोर्ट करने आई हो। और चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ बास्केटबॉल एट डांस क्लासेस। ओफो, एक तो मैं इतनी परेशान हूँ पहले से, और ये लड़का अभी तक आया भी नहीं है। मैं क्या करूँ, पहले ही मुझे बहुत डर लग रहा है कि इस कॉम्पिटिशन में क्या होगा मेरे साथ। ऊपर से जिमिन और शुगा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं हुआ मेरे साथ, मैं और ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊँगी। मैं क्या करूँ? ते, तुम डांस क्लासेस में किससे बात कर रही हो? दीवारों से बातें, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुम कब आए? चलो चलते हैं। वेट, जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो तुमने मुझे कल कहा था। कल मैंने क्या कहा था? कि मैं तुम्हें डिफरेंट ट्रीट कर रहा हूँ। शायद तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ, तो वही अभी कर रहा हूँ। शायद इसी तरीके से तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। दूर हटो मुझसे। और क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हारी फ्लर्ट करने से मेरा मूड ठीक हो जाएगा? हाँ, किस टाइप की लड़की समझ के रखा है मुझे तुमने? हाँ, कल मैंने दो तीन बातें ऐसे ही कर ली तो तुम मुझे कुछ भी समझ लोगे। हाँ, ओह,
तो तुम कैसी होते और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें किस वे में सोच रहा हूँ? कहीं तुम नो स्टॉप चंकुक स्टॉप, गलती मेरी है। यस गलती मेरी है कि मैं समझी कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, लेकिन नहीं तुम नहीं बन सकते। अपनी प्रैक्टिस अकेले करो, मैं चाह रही हूँ घर